जनपद रामपुर की 16 साल पुरानी सुपरमिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उद्यमी पुरस्कार से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सम्मानित किया। सुपरमिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रीतम रस्तोगी और विशाखा अग्रवाल रस्तोगी को इस पुरस्कार से लखनऊ में सम्मानित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रामपुर में मेहता उद्योग की कई छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो पूरी दुनिया में यहां से निर्यात करती हैं। उसमें सुपरमिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड भी है जो पूरी दुनिया में मेहता का निर्यात करती है। बात करें रामपुर की तो रामपुर मेहता उद्योग में काफी बड़ा जनपद माना जाता है। रामपुर में बहुत सारी मेहता की छोटी बड़ी उद्योग इकाइयां हैं जिसमें कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। वहीं सुपरमिंट के डायरेक्टर प्रीतम रस्तोगी से हमने बात की तो उन्होंने बताया सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यूपी के प्रथम उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही खुशी की बात है और यहां तक पहुंचने के लिए पूरी टीम का वर्क है। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत से काम किया तभी हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिसमें उनके मामा जी का बहुत सहयोग मिलता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम यहां तक पहुंचे हैं और उसके अलावा उनकी पत्नी भी उनके साथ मिलकर काम करती है और उनका भी काफ़ी सहयोग मिलता है। प्रीतम रस्तोगी ने बताया 2008 में हमने इस कंपनी को स्थापित किया था। वहीं प्रीतम रस्तोगी ने कहा हमें शासन और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। प्रीतम रस्तोगी ने कहा इस अवार्ड के लिए मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा। जनपद रामपुर के सुपरमिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम उद्यमी पुरस्कार से कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। सुपरमिंट मेंथोल के प्रीतम रस्तोगी जी हमारे साथ हैं जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने किस तरह की उनकी मेहनत रही इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस सूबे के मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा। जी प्रीतम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रामपुर का नाम रोशन किया और प्रथम पुरस्कार से सूबे के मुख्यमंत्री ने आपको नवाजा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह की आपकी मेहनत रही? सब पूरा टीम वर्क रहता है, सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं है, पूरा स्टाफ है, सबका साथ रहता है। मामा जी का गाइडेंस हमेशा रहा, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं साहब, पूरा अल्टीमेट टीम वर्क रहता है। मेरी वाइफ भी हमारे साथ काम देखती हैं, एक्सपोर्ट्स का काम देखती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा है सहयोग रहा है और पूरी टीम वर्क का सपोर्ट रहा है पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक। कितनी पुरानी आपकी ये कंपनी है, कब स्थापित हुई थी? ये 2008 में हमने इस्टेब्लिश करी थी और तब मामा जी ने इसको स्टार्ट किया था। फिर 2014 में मैं आया था, मैंने ज्वाइन करा था और तब अब करीबन 10 साल मेरे को भी होने वाले हैं। तो सफ़र बहुत बढ़िया रहा है तब से लेकर अब तक, जितना भी हमने मेहनत करी है, आपके सामने पुरस्कार मिला है और बड़ा अच्छा लगता है। कितने वर्कर हैं आपके यहाँ पर? करीबन साहब 150-150 वर्कर टोटल काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लगातार एक अच्छा एक हम वर्क एनवायरनमेंट दे पाएँ और लोगों को भी, तो उसी हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर मेहता की काफ़ी छोटी बड़ी इकाइयाँ हैं जिससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो सरकार की किस तरह से, शासन और जिला प्रशासन किस तरह से आपको मदद रहती है? साहब जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, सेंटर में भी आप समझिए और जब से स्टेट में आई है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, DIC रामपुर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, DIC ने बहुत सपोर्ट करा है। इस अवार्ड को लेके नहीं, बाकी पूरे वर्किंग को लेके DM साहब का बहुत सहयोग रहता है। DM साहब के यहाँ मीटिंग्स होती हैं, अगर कोई आपकी दिक्कत परेशानी होती है तो DM साहब एक महीने में एक बार बैठक होती है, सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट और मतलब सहयोग रहा है। सिंथेटिक मेंथा को लेकर जो यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इकाइयों वाले दुखी हैं, उसको लेकर किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? साहब ये तो बात किसी से छुपाई नहीं जा सकती कि सिंथेटिक मेंथॉल नेचुरल मेंथॉल इंडस्ट्री को ख़राब कर रहा है। पहले वर्ल्ड में आप ये समझिए सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो मेंथॉल बनाती थी और एक्सपोर्ट करती थी। अब चाइना में सिंथेटिक मेंथॉल की 2 कंपनियां खुल गई हैं, एक मलेशिया में है, एक जर्मनी में है, तो उससे फ़र्क तो ये पड़ा है कि प्राइसेस उन लोगों के कम होते हैं तो हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं और उससे कंपटीशन करने के चक्कर में हमारे जितने प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थिन होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन और भी ऑल्टरनेटिव वेज हम लोग देख रहे हैं, जैसे नई क्रॉप का आना, जैसे पहले गोल्डन क्रॉप चलती थी, अब और उससे डेवलप्ड
अच्छी क्रॉप यील्ड वाली सीमैप द्वारा खोज करी जा रही है और उससे हो सकता है कि बेहतरी हो ताकि प्रति एकड़ की जो यील्ड है मेंथा ऑयल की वो बढ़ पाए और किसानों को लाभ हो और हमारी प्राइसिंग कम हो पाए और हम सिंथेटिक से कम्पीट कर पाएँ। उस पर अभी वर्किंग चल रही है सब जगहों से। सिंथेटिक मेंथा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? सब योगी जी के सामने मैटर रखा जा चुका है और DGFT से हम हमारी पूरा एसोसिएशन है एक MMEA करके, तो उस पर बातचीत चल रही है और जो PMO ऑफिस में भी हमने अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर रखे हैं। उन लोगों से गुजारिश ये है कि साहब सिंथेटिक मेंथॉल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए जिससे कि इंडिया में कम से कम जो इंपोर्ट हो रहा है वो अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो इंडिया में मार्केट इंडियंस अच्छा कैप्चर कर पाएंगे और किसानों को लगातार काम मिलेगा। देखिए, ये थे सुपर मेंथॉल के डायरेक्टर प्रखर रस्तोगी जी, जिन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरा टीम वर्क है, टीम ने मेहनत की तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वहीं सिंथेटिक मेंथा को लेकर के भी सरकार से उन्होंने मांग की कि सिंथेटिक मेंथा को लेकर सरकार कुछ इस तरफ भी ध्यान दे। आजम खान, माई स्टूडियो 24, रामपुर।